देखिए, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन विगत 9 वर्षों से अधिक समय से देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर देश भर में अभियान चला रहा है। विश्व का मात्र 2.4% ऑफ लैंड हमारे पास है, लेकिन 18% आबादी का भार भारत की भूमि पर हम वहन कर रहे हैं। देश में 8-8 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। अगर ये कानून नहीं बना तो हमारा मानना है कि आने वाले समय में जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण देश के हालात गृह युद्ध के भी हो सकते हैं और कश्मीर से भी बदतर हो सकते हैं। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। तो आपको क्या लगता है, ऐसा करने से भविष्य क्या ठीक हो जाएगा? जी, देश की जनसंख्या सभी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार से ऊपर उठते हुए सभी के अधिकतम 2 बच्चे पे संतुलन होगा तो ये आबादी संतुलित रहेगी। 8-8 बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, जनसांख्यिकीय असंतुलन पर लगाम लगेगी और कोई भी समाज, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी क्षेत्र, कोई भी भाषा के लोग अधिक संतान उत्पन्न करके देश के संसाधनों पर, देश पर कब्जा करने की नहीं सोच सकते। आपको क्यों लगता है कि भविष्य में ऐसा होगा? क्योंकि पहले ऐसा हुआ है। 1947 में भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ और पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी आधार पर बना। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इसी आधार पर बना और इसी आधार पर 1989 के दिसंबर और 1990 के जनवरी में कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा और 5.5 लाख कश्मीरी अपने ही देश में शरणार्थी हैं जनसंख्यिकीय असंतुलन के कारण। आज ये हालात असम में, पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, सीमांचल बिहार में, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, उसके अलावा किशनगंज और ये पूरा इलाका और उसके साथ ही साथ केरल में, केरल के साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में ये हालात बन रहे हैं। ये साफ सामने आंकड़े दिखाई दे रहे हैं और ऐसे आंकड़े हमारे पास हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि जनसांख्यिकीय असंतुलन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है और न केवल उड़ीसा के भद्रक में बल्कि देश के सभी 750 जिलों, 750 जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में ये अभियान चल रहा है और 11 जुलाई को प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम DM के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपको क्या लगता है ये सक्सेसफुल होगा? निश्चित रूप से होगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भद्रक में लोग यहाँ टाउन हॉल में इकट्ठा हुए हैं, इसी प्रकार से पूरे देश भर में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जनसंख्या पर उचित लगाम लगाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या कानून बने, इस विषय में लेकर एक अंडर करंट चल रहा है देश की जनता में। अगर इस विषय पर कोई विरोध करेगा, साथ नहीं आएगा तो देश की जनसंख्या, जो देश की जनता है उसमें अंडर करंट है और वो ऐसे राजनीतिक दल और ऐसे सामाजिक लोगों का बहिष्कार करेंगे जो इस कानून को रोकने के पक्ष में होंगे, कानून को बनने नहीं देंगे। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ देश की जनता जाग चुकी है और इस विषय में अंडर करंट चल रहा है तो अब ये कानून निश्चित रूप से धरातल पर उतरेगा। इसे कोई रोकने वाला, कोई बदरुद्दीन अजमल जो कि असम का सांसद है या एक हैदराबादी कोई ओवैसी या जो भी कुछ उसका नाम है वो, या जब भी कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तो उत्तर प्रदेश के संभल का सांसद शफीकुर रहमान वर्क, तो ऐसे जो राष्ट्र के प्रति गलत सोच रखने वाले लोग जो चाहते हैं जनसंख्या कानून ना बने, अब उनकी बात, अब उनकी आवाज़ देश में धूमिल पड़ती जाएगी। देश की जनता जाग रही है, ये कानून निश्चित रूप से बनेगा। जिसको लेके आगे बढ़ रहे हैं आंदोलन करने के लिए, तो एक सर्वे में पता चला है कि 80% हिंदुओं को इनको संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है। देखिए, जहाँ तक भारतीय संस्कृति की बात है, भारतीय हिंदू की बात है, तो हिंदू का अर्थ आप बेहतर समझते हैं कि जो भारत माता को भारत माता मानते हैं वह हिंदू है और वो चाहे जैन है, बौद्ध है, सिख है, हिंदू है, वह हिंदू है। और उनमें से आपने बताया कि सर्वे में ये पता चला है कि 80% हिंदुओं को ये पता नहीं कि भारतीय संस्कृति क्या है, तो अब समय आ गया है कि ऐसी बैठकों, ऐसी सभाओं के माध्यम से संस्कृति के बारे में बताया जाए और माता पिता अपने बच्चों में भारतीय संस्कार डालें, ये आवश्यक है। आपको क्या लगता है अभी भारत सुरक्षित है या नहीं? निश्चित रूप से नहीं। देश सुरक्षित हाथों में है और वो सुरक्षित हाथ अगर आगे 2024 के बाद बने रहे
तो, और चाहे वो प्रदेश हो चाहे वो राष्ट्रीय सरकार हो, अगर वो सुरक्षित हाथ भविष्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड और इस प्रकार के NRC NPR पे आगे बढ़े और देश को सुरक्षित किया, देश सुरक्षित ऐसे नहीं होता है, उसके लिए जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो अपनाए गए तो फिर देश निश्चित रूप से सुरक्षित होगा। लेकिन अगर नहीं कानून बनता है, नहीं NPR आता है, नहीं NRC लागू होता है तो फिर देश सुरक्षित नहीं है। अभी तो बीजेपी सरकार है, 9 साल हो गए, तो बीजेपी चाहता तो ये कानून क्या नहीं ला सकता? हाँ बिल्कुल, हम इस बात से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है कि चाहे पिछले 9 साल हो या पिछले 75-76 ईयर्स हो, ये कानून आना ही चाहिए था। पिछले 75 साल में 76 साल में जो लोग नहीं लाए वो, और पिछले 9 वर्ष में जो लोग नहीं लाए वो, हम उनसे बिल्कुल भी किसी से खुश नहीं है। लेकिन अब जल्द से जल्द ये कानून आ जाए, अब उस तरफ सोचने की आवश्यकता है, ना कि पिछले गिले शिकवे और हम इस प्रकार के दोषारोपण की अब समय नहीं बचा है, अब सबको इकट्ठा होकर ये कानून लाना पड़ेगा। तो जनसंख्या बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है? देखिए, जनसंख्या किसका बढ़ रहा है इस बारे में देश भर में अनेक सर्वे, अनेक आंकड़े ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि भारत में जनसांख्यिकीय असंतुलन धार्मिक आधार पर हो रहा है। एक वर्ग ऐसा है जो दो नहीं बल्कि उनकी युवा पीढ़ी एक बच्चे की ओर चल रही है। गांव में रास्ता बताने के लिए बच्चे नहीं मिल रहे, लेकिन हाँ एक तरफ ऐसा वर्ग है कि यदि उनके गांव में जाएं तो गाड़ी से उतर के बच्चे सड़क से हटाने पड़ते हैं, रास्ते से हटाने पड़ते हैं। ये स्थितियां हैं, ये भविष्य में देश के लिए खतरा बन रही हैं। जो भारत में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठ हो रही है, चाहे वो रोहिंग्याओं की तरफ से हो चाहे वो बांग्लादेश की ओर से, इन सब विषयों को देखने और उस पर अविलंब लगाम लगाने की आवश्यकता है। इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और एक पूरे भारतवर्ष में 1881 से लेके 2011 तक की जनगणना के आधार पर हमने विश्लेषण किया है, और वह विश्लेषण ये बताता है कि हिंदू जनसंख्या, बौद्ध जनसंख्या, जैन जनसंख्या 0-6 ईयर्स ऑफ एज, 6 साल से कम के बच्चों में माइनस की वृद्धि दर है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बाकी आबादी बचती है जिसमें मुस्लिम जनसंख्या है, वहां बच्चे अधिक दर से हो रहे हैं, यह सत्य है। क्या करना चाहिए? देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू हो, और जो नागरिक इस कानून को बनने के एक वर्ष के बाद 2 से अधिक संतान उत्पन्न करे, उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, उन्हें मताधिकार से वंचित किया जाए और फिर भी ना माने, चौथे बच्चे की ओर जाए तो कंपल्सरी फोर्सफुल नसबंदी और दंपत्ति को उठा के जेल में बंद कर दिया जाए। भारत है धर्मशाला नहीं, यहाँ 8-8 बच्चे पैदा करने की छूट इजाजत अब किसी को नहीं दी जा सकती। जी जनसंख्या विरोध में वो सफल नहीं हुआ तो फिर देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। देश की न केवल सीमाएं बल्कि देश के अंदर भी हम पुनः विभाजन की ओर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं तब कहूंगा, 1000 बार तब कहूंगा जब ऐसा कानून नहीं बना। मैं निश्चित रूप से इस बात से आश्वस्त हूं और अपने आप में संकल्पित हूं कि देश में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना निश्चित रूप से तय है, अंडर करंट चल रहा है, और जो इस कानून का विरोध करेगा देश की जनता उनको जूते मारेगी, इसलिए अब ये कानून बनेगा। धन्यवाद, थैंक यू।